नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। बात कर लेते हैं रैपिड रेल प्रोजेक्ट की, क्योंकि रैपिड रेल प्रोजेक्ट दिल्ली से लेकर मेरठ तक बन रहा है और गाजियाबाद में रैपिड रेल का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। अब इसकी तारीख भी सामने आ चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को रैपिड रेल प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहिबाबाद स्टेशन से रैपिड रेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, जिस रेल की रफ्तार वंदे भारत ट्रेन से भी तेज है, वो अब देश की पटरी पर दौड़ने वाली है। देश की प्रथम रैपिड रेल तैयार है 20 अक्टूबर से। इस गति के साथ ही उन दूरियों को कम करने के लिए प्रथम फेज शुरू होने वाला है। रैपिड रेल जो मेट्रो जैसी लगती जरूर है, लेकिन सुविधाओं के मामले में मेट्रो से दो कदम आगे है। कुछ इस तरह का वो कोच होगा, जगह ज्यादा दिखने वाली है। वो नई सीट्स इस वक्त चमक रही हैं, लगभग 72 के आसपास जो लोग हैं वो सीट्स पर बैठ पाएंगे। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली रैपिड रेल दिल्ली एनसीआर के लिए नया वरदान है। पहला फेज है वो शुरू हो रहा है। देश की पहली रैपिड रेल साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक उसका जो पहला फेज है वो चलने वाला है। जी मीडिया रिपोर्टर वरुण भसीन ने साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक रैपिड रेल की यात्रा की। और उसके बाद मेरठ से साहिबाबाद तक उस पैसेंजर ट्रेन का भी सफर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक हमने रैपिड रेल की तेज तर्रार और खूबसूरत यात्रा में रुक रुक कर चलती पैसेंजर ट्रेन की एंट्री क्यों कराई। ऐसा इसलिए ताकि दिल्ली से मेरठ तक रह रहे लोगों को ये पता चल सके कि रैपिड रेल कैसे उनका समय बदल सकती है। और आपका समय बदलेगा तो यकीनन देश का समय बदलेगा। तो चलिए रैपिड रेल की कहानी उस पॉइंट से शुरू करते हैं जहां से इसे हरी झंडी दिखाने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आप इसे दिल्ली एनसीआर को नवरात्रि का उपहार भी कह सकते हैं। इस रैपिड रेल के किराए को लेकर आईआईएम अहमदाबाद की टीम ने सर्वे किया था और अब माना जा रहा है कि इसका न्यूनतम किराया 15 से 20 रुपए और अधिकतम किराया 160 रुपए तक रखा जा सकता है। इसके अलावा इस रैपिड रेल के कॉरिडोर का सबसे छोटा रूट 2 से 5 किलोमीटर का है और सबसे अधिकतम स्लैब जो है, सबसे बड़ा रूट जो है वो 60 किलोमीटर से ज्यादा का होगा। गाजियाबाद आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड रेल का पहला टिकट भी खरीदेंगे। देखिए, साहिबाबाद वो पहला स्टेशन होगा जो यहाँ से पहली बार देश की रैपिड रेल शुरू होगी और इस वक्त उस स्टेशन पर हम हैं और एक खास आपके साथ यात्रा करेंगे। हम उस देश की पहली रैपिड रेल को पूरी तरह से आपको दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ उसमें खास है और देश को क्या कुछ मिलने वाला है। रैपिड रेल का साहिबाबाद स्टेशन दिखने में दिल्ली मेट्रो की तरह ही लग रहा है। वही एंट्री पॉइंट, टिकट लेने के लिए वैसी ही मशीन, उसी तरह का प्लेटफॉर्म। फिर नया क्या है? नया है रैपिड रेल। जी मीडिया आज आपको सफर कराएगा देश की पहली रैपिड रेल में। इस वक्त ये जो ट्रेन है वो जिस गति से दौड़ रही है वो गति नहीं है, वो बदलाव नया है जो कि हमारे देश में अब आ रहा है। अगर हम आपको बताएं कि जो रैपिड रेल है वो देश में पहली बार दौड़ रही है, उस ट्रेन का तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उसकी स्पीड जो है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और इस वक्त हम उसी ट्रेन में खड़े हैं। मैं अगर आपको बाहर की तस्वीरें दिखाऊं जो कि एक खास सफर हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है कि किस तरह का बदलाव इस वक्त वो रैपिड रेल के जरिए देख रहा है भारत। भारत की ये पहली रैपिड रेल क्या कुछ लेकर आ रही है, किन नए आयामों को देश को दिखा रही है, उस विजन को देखें, उस
आप ट्रेन की स्पीड से पता कर सकते हैं कि किस तरह से वो बदलाव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में आएगा। रैपिड रेल में चढ़ने के बाद आपको सबसे बड़ा बदलाव दिखेगा, यानी जो पहली चीज आपको मेट्रो से अलग दिखेगी वो है इसकी खूबसूरत सीटें, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले आपको रैपिड रेल से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। रैपिड रेल का पूरा नेटवर्क 82 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कुल 25 स्टेशन होंगे। 30,274 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट जून 2025 में पूरा होगा, लेकिन साहिबाबाद से लेकर दोहाई डिपो तक का काम पूरा हो चुका है, इसलिए सबसे पहले साहिबाबाद से दोहाई तक कुल 5 स्टेशनों के बीच रैपिड रेल चलाई जा रही है। अभी जो पहला फेज है वो शुरू हो रहा है, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दोहाई और दोहाई डिपो। ये लगभग 17 किलोमीटर का इस वक्त जो पूरा इलाका है, यानी कि वो कवर होगा इस रैपिड रेल से। देश की पहली रैपिड रेल साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक उसका जो पहला फेज है वो चलने वाला है। साहिबाबाद से लेकर गाजियाबाद वो पहला स्टेशन होगा, दूसरा गुलधर, दोहाई और दोहाई डिपो। 17 किलोमीटर का इस वक्त वो डिस्टेंस होगा, लगभग 13 से 14 मिनट लिए जाएंगे इस पूरे 17 किलोमीटर को पूरा करने में। स्टेशन भी बीच में, और उसके बावजूद वो समय कम इसलिए क्योंकि वो जो गति होगी इस पूरे 5 स्टेशन के बीच में, जो हाई, जो सबसे पीक है स्पीड का, वो है 156 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ट्रायल्स में अब तक नजर आया है। रैपिड रेल में कुल 6 कोच होंगे, 1 प्रीमियम कोच और 5 स्टैंडर्ड कोच। प्रीमियम कोच में स्टैंडर्ड कोच के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं होंगी। स्क्रीन पर आपकी बाईं तरफ प्रीमियम कोच की सीटें हैं और दाहिनी तरफ स्टैंडर्ड कोच की सीटें हैं, जिसमें 72 लोग बैठ सकते हैं। अब प्रीमियम कोच में विशेष सुविधाएं क्या हैं, ये भी समझ लीजिए। यानी कि प्रीमियम कोच, उसमें कुछ खास सुविधाएं दी जाएंगी यात्रियों को। अगर हम आपको दिखाएं तो इस वक्त जो सीट्स हैं वो सीट्स में कुछ अलग खास कुशनिंग की गई है, आपको बैठने में वो आरामदायक हो इस चीज का खास ख्याल रखा गया है, और वो ये रिक्लाइन भी हो पाएंगी सीट्स को, इस तरह से डिजाइन किया गया है। मैं आपको आगे की तरफ अगर सीट्स को दिखाऊं तो यहाँ पर इस प्रीमियम कोच में वो रिक्लाइन करने की पूरी यहाँ पर अच्छे से कोशिश की गई है। उसके अलावा अगर जब आप बैठेंगे तो आपको आराम मिलेगा। देखिए, जो इस वक्त पैर रखने के लिए जो भी खास तरह से जो इस वक्त स्टैंड दिया गया है वो भी इस जगह पर होगा, इनको रिक्लाइन किया जा सकेगा, जिससे कि आप आराम से इस वक्त वहाँ बैठ पाए। इस तरह के जो इस वक्त सीट्स हैं उन पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें जो किराया होगा कुछ अलग होगा, प्रीमियम कोच है ये, लेकिन उसमें आप इसको रिक्लाइन कर पाए उस चीज का खास ख्याल रखा गया है। उसके साथ साथ और भी ऐसी काफी चीजें हैं जहां पर इसको तैयार किया गया है। इस तरह के विंडशील्ड को अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये प्रीमियम कोच में ये सुविधा है कि अगर आपको इस ज्यादा रोशनी नहीं चाहिए, धूप आ रही है, तो ये इस वक्त जो शील्ड है उसको भी आप डाउन कर सकते हैं विंडो के, विंडशील्ड के जैसे। और उसके साथ साथ सामान रखने की वो ज्यादा जगह होगी इस प्रीमियम कोच में, कि अगर आप कुछ बड़ा बैग लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो उस आप अपने सूटकेस को इस जगह पर कर सकते हैं। उसके साथ प्रीमियम कोच में इस तरह के जो इस वक्त वो वेंडिंग मशीन से वो लगाई जाएंगी, जिससे कि अगर आपको कुछ खाने पीने की जरूरत है तो आप उससे ले पाए। और ये प्रीमियम कोच को नॉर्मल कोच की इस वक्त वो तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो उससे अलग कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, और इसकी जो एंट्री है वो खास तरीके से होगी। उस कार्ड को आप यूज करेंगे गेट की तरफ से और तभी इसमें एंटर कर पाएंगे। यानी आम यात्रियों की सुविधा के लिए शताब्दी ट्रेन या हवाई जहाज की इकोनॉमी क्लास की तरह रैपिड रेल में रिक्लाइनिंग सीटें लगाई गई हैं। रफ्तार से लेकर सुविधाओं तक अगर आप मेट्रो से तुलना करें तो रैपिड रेल बहुत आगे दिखाई देगी। मेट्रो की अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जबकि रैपिड रेल की रफ्तार 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सामान्य रफ्तार यानी जिस रफ्तार से रोजाना सफर करना है
वो ज्यादातर मेट्रो का 35 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है और रैपिड रेल का 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रहेगा। मेट्रो हर 5 से 7 मिनट में आती है और रैपिड रेल हर 15 मिनट में। स्टॉपेज पर मेट्रो 20 सेकंड तक रुकती है जबकि रैपिड रेल के रुकने का वक्त 30 सेकंड है। मेट्रो सुबह 5 बजे से रात 11:30 बजे तक चलती है और रैपिड रेल सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। अब रैपिड रेल की रफ्तार देख लीजिए। देखिए इस वक्त अगर उस ट्रेन की गति की हम बात करें, रैपिड रेल है, देश की पहली रैपिड रेल है, लेकिन जिस गति से इस वक्त दौड़ रही है उसका अगर हम आपको जीता जागता प्रमाण बताएं तो ये इस वक्त गाड़ी, यानी कि ये जो रैपिड रेल है वो गाजियाबाद से साहिबाबाद की तरफ ट्रेवल कर रही है और साहिबाबाद की तरफ जाते हुए इस ट्रेन की गति जो इस वक्त है वो लगातार देखिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे के 151-52 इस वक्त वो स्पीड जो है आप देखिए हमारे देश में गाजियाबाद से साहिबाबाद की तरफ ट्रेवल करते हुए 155 की जो गति है वो इस ट्रेन ने पकड़ी है। मेट्रो में भी एक कोच महिलाओं के लिए रिजर्व होता है और रैपिड रेल में भी एक स्टैंडर्ड कोच महिलाओं के लिए होगा। उनकी हिफाजत के लिए सुरक्षा कर्मी भी होंगे। इस रैपिड रेल में 2 डिब्बे खास होने वाले हैं, यानी कि 2 जो कोचेज होंगे वो अलग तरीके के होंगे। क्या होगा अलग? एक तो प्रीमियम कोचेस बनाए जाएंगे, वो प्रीमियम कोचेस भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त जिस कोच में हम हैं वो दूसरा खास, यानी कि वो महिलाओं के लिए आरक्षित डब्बा होगा। महिलाओं के लिए स्पेशली इस ट्रेन में भी इस चीज को ध्यान रखा गया है कि वो डब्बा एक कोच आरक्षित हो जिसमें कि वो आराम से सफर कर पाए। और इस पूरी ट्रेन में भी एक सुरक्षाकर्मी तैनात होगा जो कि इस पूरी ट्रेन का एक सुरक्षा का ख्याल रखे। रैपिड रेल की खासियतों को जानते समझते और आपके लिए रिपोर्ट तैयार करते हुए हमारी यात्रा कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। हम साहिबाबाद से चले थे और वापस वहीं आकर इस ट्रेन से उतर गए। इस यात्रा के दौरान एक बात जो आपसे अब तक साझा नहीं कर सके वो है रैपिड रेल का किराया। यहाँ पर आप देखिए जो नोट डालने का भी ऑप्शन होगा, टिकट आप खरीदना चाहते हैं तो इस वक्त वो स्टैंडर्ड और प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम की लेना चाहते हैं तो प्रीमियम कोच में सफर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड है वो इस वक्त स्टैंडर्ड। अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए इस वक्त वो साहिबाबाद से दुहाई डिपो की तरफ अगर आप लेना चाहते हैं टिकट तो अभी आपके पास यहाँ पर वो ऑप्शन नजर आएगा। और यहाँ पर आप दुहाई में दबाते हैं तो इस वक्त मैं आपको उसका किराया भी बता दूं, जो किराया होगा वो अगर इन 5 स्टेशन में आप 50 रुपए होगा, लेकिन जो मिनिमम किराया इस वक्त हमें नजर आ रहा है गुलदर तक का वो 30 रुपए है गाजियाबाद जाने का, यानी जो अगला स्टेशन है यहाँ पर वो गाजियाबाद 30 रुपए में आप जा पाएंगे, दुहाई 40 रुपए और दुहाई डिपो तक 50 रुपए आपसे लिए जाएंगे। और उसी के साथ अगर मैं पीछे आकर इस वक्त प्रीमियम कोच की तरफ जाकर दुहाई का दबाऊं तो यहाँ पर प्रीमियम में जो 50 रुपए लग रहे थे स्टैंडर्ड में वो प्रीमियम में आकर 90 रुपए उसका किराया हो जाएगा। और सिंगल जर्नी टिकट या रिटर्न टिकट आप लेना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर गुलदर 50 हो जा रहा है, लेकिन देखिए यही मैं अंतर आपको दिखा रहा हूँ कि प्रीमियम और स्टैंडर्ड कोच में क्या अंतर होगा। प्रीमियम के इस वक्त जो रेट्स थे वो 90 रुपए था, लेकिन अब वो स्टैंडर्ड में गुलदर 30 रुपए, गाजियाबाद 30 रुपए, दुहाई 40 और दुहाई डिपो जो है 50 रुपए है। और उसके साथ प्रीमियम के इस वक्त यहाँ देखें तो प्रीमियम में वो दाम बढ़ रहे हैं, किराया बढ़ रहा है, 90 रुपए हो रहा है और 50 रुपए मिनिमम इस वक्त यहाँ पर वो हमें नजर आ रहा है। इस वक्त अगर आप एक टिकट लेकर UPI बैंक कार्ड NCMC वॉलेट यानी कि वो नोट के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप नोट डाल पाएंगे, UPI ये सबसे बड़ी चीज है, QR कोड इस वक्त होगा उसको आप स्कैन करेंगे उसके जरिए आप पेमेंट कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म पर हमने 2 खास बातें और देखी। पहली बात कि प्रीमियम कोच के यात्रियों के लिए अलग से एंट्री पॉइंट है और दूसरी बात उन्हें खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बैठने की इतनी बेहतर व्यवस्था जो है। रैपिड रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को रखी थी। मकसद ये था कि मेरठ से दिल्ली या दिल्ली से मेरठ का सफर करने वालों को आसानी हो, उनका समय बचे, लोकल ट्रेन की लेट लतीफी से उन्हें निजात मिले,
क्योंकि रैपिड रेल दिल्ली के जंगपुरा से शुरू होकर सराय खालेखा, न्यू अशोक नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद होते हुए मेरठ साउथ नॉर्थ को पार करेगी और मोदीपुरम डिपो स्टेशन पर जाकर रुकेगी। अगर आप पैसेंजर ट्रेन में बैठकर साहिबाबाद से मेरठ या मेरठ से साहिबाबाद जाते हैं तो 1 घंटा 45 मिनट लगता है, जबकि रैपिड रेल से यह दूरी सिर्फ 30 से 35 मिनट में पूरी हो जाएगी। मेरठ से साहिबाबाद होते हुए दिल्ली 24 घंटे में सिर्फ 3 पैसेंजर ट्रेनें जाती हैं, लेकिन रैपिड रेल तो हर 15 मिनट में मिल जाएगी। जी मीडिया रिपोर्टर वरुण भसीन ने मेरठ रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन पकड़ी और उन यात्रियों से रैपिड रेल के बारे में पूछा जो रोजाना पैसेंजर ट्रेन में बैठकर मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ आते जाते हैं। मेरठ से हमने सुबह 5:50 पर वो ट्रेन पकड़ी और खासकर इस ट्रेन को पकड़ने का हमारा सबसे बड़ा जो कारण ये था कि रोजाना जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी इन ट्रेन्स के कारण आप देखिए बनती और बिगड़ती है, उनके लिए उनकी चीजों को उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए समझते हुए हम देख रहे हैं और क्या वो बदलाव उनकी जिंदगी में आ सकता है जब वो रैपिड रेल दौड़ने लगेगी, मेरठ तक पहुंच जाएगी, तो वो क्या बदलाव आएंगे। तो जो लोग चलते हैं रेगुलर के लिए उनके लिए तो यही बेस्ट है, बट जिनके लिए अपना समय कीमती है वो तो उसी से रैपिड से आने जाना करेंगे। इससे फर्क पड़ सकता है सर, क्योंकि जो आदमी वहाँ कमरे में पहले रह रहा है वो मेरठ तक अपने घर से ही एजुकेशन कर सकता है। अच्छा रहेगा, समय में प्रभाव पड़ेगा। समय में वो कह रहे हैं कि अभी कितना टाइम लगता है, अभी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अभी 1.5-2 घंटा लगता है दिल्ली पहुंचने में। मेरठ के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि रैपिड रेल आने से उनका समय बचेगा और समय तो सबसे बड़ा धन है। वरुण भसीन, जी मीडिया, साहिबाबाद।